हेलो फ्रेंड्स, मैं ही सौरभ, मैं ही तो जो आप देख रहे हैं हमारे चैनल सौरभ। तो जो आज हम बात करने वाली है आधार कार्ड के बारे में, तो अब बहुत सारे लोग जान गया भाई यूटीआई करना पड़ेगा, जो वर्चुअल आधार कार्ड यूटीआई से जो अपडेट आया है वर्चुअल आधार कार्ड आपको मार्च से करना पड़ेगा। तो यूटीआई क्या है ये नहीं जानते भाई, आई बटन का वीडियो का आई बटन पे एक वीडियो है, वो पे देख लेना, यूटीआई के बारे में पूरा जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड का कोड अपडेट लिया है तो आपको जब यूटीआई करना पड़ेगा, मतलब आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा आपका आधार कार्ड, तो आपको चार्ज देना पड़ेगा वहाँ पे। फास्टेस्ट शुरू करते हैं, पहले यूटीआई से जो बोले हैं भाई आपको कोई जानकारी है तो यूटीआई का पास ही जाओ, उसका जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे बात करो। तो यूटीआई का हेल्पलाइन नंबर मुझे आता नहीं है बट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। हेल्पलाइन नंबर और 4 डिजिट का हेल्पलाइन होते हैं, 19 कैसे होते हैं वो मुझे याद नहीं आ रहा है बट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको कोई जानकारी चाहती है तो आप यूटीआई का हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे कॉल करके जान सकते हैं भाई पूरी डिटेल्स। और एक बात, जिस लोग बच्चे हैं भाई, बच्चे के लिए कोई गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है 5 फरवरी पे, जो आपको जो आधार कार्ड जो वेरीफिकेशन करना पड़ेगा, रीवेरीफिकेशन जैसे ही कह सकते हैं, जो यूटीआई का वर्चुअल आधार कार्ड कराना पड़ेगा। तो वर्चुअल आधार कार्ड कराने के लिए आपको 25 रुपीज़ देना पड़ेगा, उसका साथ साथ आपका 18% GST चार्ज देना पड़ेगा। भाई ये जियो जैसा हो रहा है ना, पहले फ्री उसका बाद रिचार्ज करना पड़ेगा। भाई ये नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा है तो हम लोगों का सभी का पैसा है, को करना पड़ेगा तो कर लीजिए। और एक बात, तो जिस लोग छोटा है बच्चे के लिए कोई GST या 25 रुपीज़ नहीं देना पड़ेगा, बच्चे के लिए पूरा फ्री है। तो आप बड़ा है भाई, 18 साल के ज़्यादा है आपका उम्र, तो आपको करना पड़ेगा जो वर्चुअल आधार कार्ड, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 25 रुपीज़ देना पड़ेगा, तो उसका बाद उसका साथ साथ 18% GST भी देना पड़ेगा, ओके। तो भाई करा लेना आपका आधार कार्ड सिक्योरिटी के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो यूटीआई क्या है पता नहीं है, और भी एक बात कह दे तो भाई यूटीआई क्या है पता नहीं है, यूटीआई नहीं है वर्चुअल आधार कार्ड क्या है पता नहीं है भाई, वीडियो का आई बटन पे मिल जाएगी आपको, तो वहाँ पे देख सकते हैं, ओके। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगी। तो और एक बात, तो भाई किसी ने आपको ज़्यादा पैसा ले रहा है तो आप उसका हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ये भी यूटीआई से अपडेट आया है। और एक अपडेट आया है भाई, जिस प्राइवेट संस्था पे जहाँ पे करते हैं भाई लाइसेंस लेकर जो आपका आधार कार्ड को तो मॉडिफाइड करते हैं या डेट वगैरह चेंज वगैरह करते हैं, तो उस लोग आपको चार्ज ज़्यादा ले सकते हैं, तो उसका चार्ज कोई फिक्स नहीं है। तो और एक बात, आप जो प्रिंट करती है भाई, जो प्रिंट आउट करते हैं उसके लिए 10 रुपये जो लगते हैं, पहले जो कलरिंग प्रिंट आउट जो आधार कार्ड का वहाँ पे आपको 20 रुपये लगेगा, ओके। जब जो 10 रुपये था वो 20 रुपये हो गया है। और ये रिक्वेस्ट करूँगी भाई, आपका पास है किसी भी ऑफिस से ज़्यादा पैसा ले रहा है तो उसका जो हेल्पलाइन नंबर वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, कॉल करके आप अभिषेक जाना सकते हो, ओके। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अपडेट पसंद आया, अपडेट को कितना पसंद आया भाई मुझे लाइक देकर पता चल जाएंगे, तो जितना ज़्यादा लाइक देंगे तो मुझे पता चल गया भाई इतना ज़्यादा पसंद आया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिस लोग हमें जो नया है हमें जो सब्सक्राइब कीजिए, उसके पास जो बेल आइकन को दबा दीजिए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते कुछ नया लेकर, बाय बाय।